वाली मेरे को समझा रही है कि व्रत भूखे हुए नहीं, व्रत किए हुए। एक्स्ट्रा ये जो गरीब लड़की बैठी हुई है, व्रत नहीं है, वो तीन चार जना व्रत है। गेहूं की बोड़ी की जैसे जब बैलेंस बन जाता है ना इंसान का। और इधर रात चाय, एक बंगिया बैठ के चाय पी रही भाई। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो इस ब्लॉग की शुरुआत दोपहर के 12:30 बजे हो रही है। आज है नवरात्र का पहला दिन और हम भूखे हुए हैं व्रत। तो अभी का टाइम ऐसा है कि मैं अभी जस्ट नाश्ता पानी करने वाला हूँ और हमारी फैमिली के आधे लोग भी भाई व्रत भूखे हुए हैं, मैं भी व्रत भूखा हुआ हूँ। तो नहा धो के अभी जस्ट पूजा पाठ किए हैं, करने के बाद मैं जस्ट बाहर निकला हूँ। इतनी कड़ी धूप है, कड़ी धूप में मैं ब्लॉग कर रहा हूँ भाई, ठंड का मौसम बना रखा हूँ। इधर मेरी मम्मी बैठ के मूंगफली तोड़ रही है, उधर मेरी बहन बैठ के पता नहीं चाय पी रही है कि क्या पी रही है, मुझे नहीं पता। चीनी का शरबत पी रही है और मम्मी पता नहीं, देखो भाई लोग मूंगफली दे रही है। ये देखो ये मूंगफली है और खन के लाई है अभी कुछ देर पहले। ये हम जैसे व्रत भूखे हुए लोगों को खाने के लिए ये मूंगफली लेके आई हुई है। घर वाली मेरे को समझा रही है कि व्रत भूखे हुए नहीं, व्रत किए हुए। क्या ऐसा होता है? जैसा भी होता है, व्रत किया हूँ या व्रत भूखा हूँ, हम अपने भाषा में बोलूँ तो व्रत व्रत भूखा हुआ हूँ भाई। व्रत किया हूँ भूखा हूँ, मेरे में यही बस फर्क नहीं है मेरे को। अभी मेरी मम्मी यहाँ पे बैठी है, मूंगफली तोड़ रही थी। अब इसको कुछ देर में ये लोग भूजेंगी, भूजने के बाद वही खाने को मिलेगा। ये देखो ये दही है, वो भी दही ऐसा है, ये दही गीला है ना भाई, लग रहा है कि शरबत है। उधर मम्मी बैठ के अपना दही और जो है कि शरबत पी रही है वहां पे मम्मी, है ना। कि मैं यहाँ पे भाई दोपहर का टाइम है, इस टाइम थोड़ी देर पहले पूजा पाठ सब किए हैं, करने के बाद यहाँ पे बैठ के सब अपना हो रहा है। और इस टाइम पे मैं जा रहा हूँ वीडियो को अपलोड करने के लिए। सुबह से 10 बजे हमारा टाइम रहता है वीडियो अपलोड करने का, लेकिन कहीं चला गया था सुबह के टाइम तो वीडियो ना अपलोड हुआ। तो चलिए मैं उठाता हूँ अपनी साइकिल को, लेके चलता हूँ इधर से सीधा ट्यूबवेल पे। वहाँ आपको बता देता हूँ कि 4-4 MB का 5-5 MB का हाई स्पीड मिलता है वहाँ पे, तो उधर ही मैं अपलोड करके और फिर वापस आऊंगा कुछ देर के अंदर। यहाँ पे मेरी साइकिल खड़ी हो गई है, यहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। देखो वहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, दिखाई दे रहा वहाँ पे टावर है, लगभग 400 से 500 मीटर दूर पड़ेगा। यहाँ पे मेरा ट्यूबवेल है और इसी ट्यूबवेल के अंदर मैं बैठूंगा और बैठ के वीडियो को अपलोडिंग में करूंगा। तो चलिए, अभी लाइट वाइट कुछ नहीं है, ट्यूबवेल का आवाज भी नहीं है खटपटाहट की, तो चलिए मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो अपलोड करता हूँ। फिलहाल दोपहर के 2:14 हो रहे हैं, मैं अभी जस्ट वीडियो अपलोड करके जा रहा हूँ। यानी हम लोग आ चुके हैं अपने मम्मी के पास, आप सबकी मम्मी, मेरी मम्मी। और यहाँ पे देखो भाई गेहूँ को पता है क्या कर रही है, गेहूँ से जितना भी सब धूल मिट्टी है सबको बाहर निकाल रही है। और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मम्मी बोली है कि चाय पी ले, आज वैसे भी व्रत हूँ ना। और इधर रात चाय, भिखमंगिया बैठ के चाय पी रही भाई, भर पेट भोजन करके चाय पी रही भाई। पहले तो इतनी गर्मी है, इस गर्मी में चाय तो बर्दाश्त नहीं होगा, तो मैं तो क्या करूँ, बस चाय पी लेता हूँ, नहीं तो भाई शरीर डोला रे डोला करने लगेगी। वो सॉन्ग होता है ना, डोला रे डोला मंडोला, वो बजने लगेगा भाई। देखो भाई लोग, जब तक इंसान का बैलेंस बिगड़ा रहता है तब तक लोग कुछ भी बोल के चले जाते हैं। और जब इस गेहूं की बोड़ी की जैसे जब बैलेंस बन जाता है ना इंसान का, कोई भी हिला के नहीं जा पाता है भाई। देखो इस बोड़ी का भी वही सिस्टम है। देखो इस नीचे वाले बांस से खूंटे पे बैलेंस बना हुआ है, क्या बात है। तो भाई लोग अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, रतनपुरा मार्केट। हम दोनों भाई मिलके जा रहे हैं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से। हम लोग आ चुके हैं मार्केट में, यहाँ पे भाई अपने को फल लेना था तो इसके लिए हम लोग आए हुए हैं मार्केट। यहाँ पे देखो अपना ब्रो सीना यहाँ पे पहुंचा हुआ है, अभी गया जस्ट फल लेने के लिए। मैं तो कुछ काम से आया था अपने काम से, लेकिन अपना काम हो चुका है और बस यहाँ से फल जो देखो क्या लेते हैं, उसके बाद चलेंगे घर। केला को मैंने हाथ में ले लिया, अब जा रहे हैं अब कुछ और चीज लेने के लिए। तभी घर जाने वाले थे हम लोग, तो भाई जाते जाते सोचे कि पहले यहीं से कुछ खाते पीते चलते हैं। खाने पीने का मतलब ये है केला खा लेते हैं, सबसे बढ़िया अति उत्तम रहेगा। तो अभी रात के बहुत टाइम हो चुके हैं और इस टाइम पे लोग बैठे हुए हैं, जो लोग व्रत रखे हैं ना भाई, मैं हो गया,
मम्मी हो गई, पप्पा हो गए और वो मेरी छोटी बहन हो गई। अरे जा रे खेपड़ी जा, अभी भोजन की है ना भाई। एक्स्ट्रा ये जो गरीब लड़की बैठी हुई है, ये व्रत नहीं है, वो तीन चार जना व्रत है। शशिकला, अच्छा ये भी व्रत है, हमको ना पता भाई, हमको क्या पता, हमको अपने मुंह के वाले से मतलब है ना। देखो उधर मम्मी बैठी हुई है, पापा, अर्चनवा, मैं, और इधर देखो मूंगफली रखा हुआ है, उधर कच्चा मूंगफली रखा हुआ है, वो भी भूजा हुआ है भाई। क्या देखो वो दो दो बंदरिया यहाँ पे है जो कि व्रत रखी है, और यहाँ पे देखो भाई इसको हाथ उठा ले, हाथ उठा ले, उतनी उठा ले, गजब बेइज्जती है। फिलहाल खा पी के आ चुके हैं, जो भी अपना फैमिली के साथ खाना पीना था, और इस टाइम पता है कितना बज रहा है, मैं अभी देख के बताता हूँ भाई कितना बज रहा है। तो आपका इस टाइम बज रहा है 8:30, यानी कि 8:30 हो रहे, और इस टाइम पे मैं जा रहा हूँ थोड़ा भाई क्या करने, पढ़ाई तो करूँगा नहीं मैं रात को। हाँ टाइम पास करता हूँ, तो चलिए जो भी करता हूँ फिलहाल इस ब्लॉग को करता हूँ एंड। अगर आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए ना, थोड़ा सा पसंद आए, प्लीज लाइक करना, और हाँ चैनल नेचुरल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब वाला बटन इधर ही देता है भाई, सब्सक्राइब कर देना इसको। नेक्स्ट व्लॉग भी मज़ेदार ही बनाने की कोशिश करूंगा, तो चलिए मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तो थैंक यू सो मच, बाय।